छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत आने वाले छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग हाईवे क्रमांक 547 पर दर्दनाक हादसा घटित हो गया है। हादसे में मौके पर ही दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और लगभग 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि टोल प्लाजा के पास बुधवार रात 9 बजे के दरमियान तेज रफ्तार पिकअप चालक ने बाइक सवार और स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है कि छिंदवाड़ा के लालबाग निवासी टाडेकर परिवार अपनी बेटी की लगुन लेकर परिजनों और रिश्तेदारों के साथ हर्रई गए हुए थे। वापस लौटते समय जुगाबानी के पास तेज रफ्तार पिकअप चालक ने स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक MP28VD3943 और बाइक क्रमांक MP28MN7560 के चालक में टक्कर मार दी, जिससे 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि अशोक कुमार सोनकर उम्र 50 साल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार 12 वर्षीय सौरभ गौरव यादव बाइक पर सवार एक 12 वर्षीय बालक सौरभ यादव मौत हो गई। अरुण कुमार यादव पिता को छिंदवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मुरली टांडेकर, संजय टांडेकर, घनश्याम टांडेकर, गोपाल मंडल, राहुल टांडेकर, अमित सोनकर को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को संजीवनी एक्सप्रेस 108 एम्बुलेंस से अमरवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके चलते हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके NHAI के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से पत्रकार आशीष मालवीय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।